नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। और आज इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर से हैं। दोस्तों जो कैंडिडेट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर से, मतलब हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से, मतलब महेंद्रगढ़, रेवाड़ी उस साइड से आएंगे, या फिर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अपना एंट्रेंस देने के लिए आएंगे, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है रहने के लिए कि उनका 100% चांस है कि आप लोगों को एक नाइट का स्टे करना ही पड़ेगा, या एग्ज़ाम देने के बाद कर लो या एग्ज़ाम से पहले कर लो, आप लोगों को एक नाइट का स्टे करना पड़ेगा। वो नाइट का स्टे आप लोग कहाँ करें, कैसे करें और सस्ते से सस्ता, वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताएंगे। चाहे वो सस्ता चाहिए सस्ता भी बताएंगे इसके अंदर, और महंगा चाहिए वो भी बताएंगे। दोस्तों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जैसे ही आप लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एंट्रेंस देने के लिए आ रहे हैं और आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सस्ता और आप लोगों को नाइट के लिए रूम मिल जाए, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आसपास आप सभी को पता है कुरुक्षेत्र के अंदर काफ़ी सभी कास्ट की धर्मशालाएँ हैं और इजिली सभी के अंदर आप लोगों को रूम्स मिल जाएंगे। अगर आप सबसे मेन तो यहाँ पे एक जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, शायद वो 1.5 किलोमीटर के आसपास ही है और ऑटो डायरेक्ट मिल जाते हैं सेकंड गेट थर्ड गेट से, 5 मिनट का पैदल रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर आप लोग जाओगे तो आप लोगों वहाँ पर फ्री से लेके एसी रूम तक आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये स्पेसिफिक नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ जाट कम्युनिटी के लोगों को ही मिलेगा, किसी भी कास्ट को आप लोगों को वहाँ पे रूम देने से मना नहीं किया जाएगा। सिर्फ आप लोगों को आइडेंटिटी कार्ड आप लोगों को साथ में लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे 100, 200, 400, 500, मतलब हर तरह के रूम अवेलेबल हैं, कूलर वाला भी, पंखे वाला भी, एसी वाला भी, आप लोग अपने बजट के हिसाब से वो रूम ले सकते हैं। इसके अलावा इसके आसपास में रोड धर्मशाला भी है, गुज्जर धर्मशाला, प्रजापति धर्मशाला, ये बिल्कुल आसपास काफ़ी अलग अलग धर्मशाला हैं। वहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छा रहने खाने की व्यवस्था है, मतलब 200 रुपये अगर जाट धर्मशाला के अंदर 100-150 रुपये का भी आप रूम ले रहे हो तो खाने की व्यवस्था भी वहीं पे है, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जिन कैंडिडेट को ये लगता है कि मुझे धर्मशाला की जरूरत नहीं है, वो अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, 500 से लेकर 1000-1500 तक के आप जैसा रूम लेना चाहें। यहाँ पे आसपास में होटल भी बहुत ज़्यादा है, होटल में भी स्टे कर सकते हैं। लेकिन मेन ये था कि जो कैंडिडेट अपना, जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती वो ज़्यादा, और अपना बजट के हिसाब से अकॉर्डिंग चलते हैं, उनके लिए धर्मशाला सबसे बेस्ट है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आसपास बहुत सी धर्मशालाएं, वहां पे रहने के लिए स्टे कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। अगर आपका कोई रिलेटिव दोस्त यहां पे एग्जाम देने आ रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ आ रहा है, तो वहां पे आप अपनी फैमिली के साथ में भी रुक सकते हैं, कोई आप लोगों को वो नहीं है, मतलब पूरे फैमिली रूम भी आप लोगों को वहां पे मिलेंगे। यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आए थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।